अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपका कोई दोस्त आपसे बेहद नाराज है? क्या आपकी मोहब्बत आपसे रूठ गई है? क्या वो आपसे बेहद नाराज हो गई है, आपकी कोई बात नहीं सुन रही है? तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपसे जो भी नाराज है, चाहे वो मोहतरमा हो या फिर आपके शौहर हो या फिर कोई भी हो, आप उन्हें मना सकते हैं, वो भी बिना कुछ कहे। वो आपकी बात समझ जाएंगे, आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी और वो खुद आपसे बात करने के लिए सामने से आ जाएंगे। तो इसे कैसे करें, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसे करने का तरीका, जो कि बेहद आसान है। तो ये अमल आपको जुमेरात के दिन करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस अमल को करने जाएं तो पहले वुजू कर लें, साफ कपड़े पहन लें और उसके बाद आपको ये करना है। तो अपनी रसोई से एक लौंग ले आएं और उसके बाद लौंग जो है उसके ऊपर जो फूल लगा होता है, यानी जो गोल हिस्सा होता है, उसको आप निकाल दें। जब आप उसको निकाल देंगे तो उसके बाद लौंग को आपको अपने हाथ में रखना है। अपनी हथेली में लौंग को रखते हुए आपको पढ़नी है दुरूदे पाक। दुरूदे पाक आपको पढ़नी है 5 मरतबा। आपको बोलना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 5 मरतबा बोलने के बाद आपको लौंग के ऊपर दम कर देना है। उसके बाद आपको बोलना है या मानियो, आपको बोलना है 21 मरतबा या मानियो बोलकर आपको लौंग के ऊपर दम कर देना है। और फिर अंत में फिर से आपको बोलना है दुरूदे पाक को 5 मरतबा और फिर उसके बाद फिर से दम कर देना है। तो इस तरह से आपको लौंग के ऊपर अपनी दुआ पढ़ देनी है। और जिसके बारे में आप ये वजीफा करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वो आपसे नाराजगी खत्म हो जाए उनकी, उनके बारे में आपको सोचना है। उनके बारे में अपने मन में सोचते हुए ये कहना है कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसे माफ कर दें और आगे बढ़े। और जिंदगी में ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन उसको अपने दिल में ना रखें। इस तरह से आपको सोचना है और उसके बाद आपको उस लौंग को ले जाना है किचन में और उसके बाद उसे कूटना है। जब आप उसे कोट लेंगे तो उसके बाद अगर वो व्यक्ति आपके आसपास हैं तो उनकी किसी खाने की चीज में वो लौंग मिला के आपको खिला देनी है। अगर वो आपके आसपास नहीं है और आप उनको वो लौंग नहीं खिला पा रहे तो आपको क्या करना है, उसे कोटना नहीं है, आपको उसे अपने घर से बाहर लेकर जाना है और उसके बाद बहते हुए पानी में उसको डाल देना है। अगर आपके घर के पास बहता हुआ पानी भी नहीं है तो आपको फिर एक ही उपाय करना है कि आपके घर के पास कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, खाली जगह हो, तो वहां पर जाकर आपको मिट्टी पे वो लौंग डाल देनी है। लेकिन उसको ऐसे फेंक कर नहीं आना है, मिट्टी में गड्ढा खोद कर उस लौंग को वहां पर रख देना है और ऊपर से ढक देना, जिससे कि कम से कम उसे कोई छूने ना पाए। मतलब उसे अगर कोई छुएगा तो फिर वो आपका जो वजीफा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप उसे मिट्टी के अंदर दबा दें तो ये वजीफा आपका पूरा हो जाएगा और जो भी शख्सियत है जो आपसे नाराज है उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल है जो मैंने आपको बताया, आप इसे जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये हम आपके लिए करें तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, शब्बा खैर।